बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी जो डिश है वो है हलवाई स्टाइल छोले, जिसका जायका आपको बिल्कुल हैरान कर देगा। तो मेरे साथ जुड़े रहिए और सीखते हैं हम इस डिश को। इसके लिए सबसे पहले हमने देसी घी और सरसों का तेल एक पतीली में आप डालेंगे और उसको आपने ज़रा गर्म कर लेना है। उसमें बादियान का आधा फूल, दालचीनी, लौंग, काली मिर्चें और गर्म मसाला जो भी होता है, तेज़पत्ता वगैरह कर डालेंगे और अच्छी तरह भून लेंगे। लहसुन प्याज डाल के उसको गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। उसके बाद जनाब इसमें चने, टमाटर और हरी मिर्चें डालेंगे। उसके बाद ये मसाले जो आम है, हल्दी, लाल मिर्च, नमक और सूखा धनिया पिसा हुआ। ये हमारे छोले 7 घंटे के भीगे हुए हैं, उबले हुए चने नहीं हैं। अब इनको हमने ऐसे भूनना है कि तेल अलग हो जाए और जो टमाटर देख रहे थे ना आपने, कितने बड़े बड़े मैंने कट किए हुए थे, और वो सब मर्ज हो चुके हैं। उसके बाद आपने जितना इसको शोरबा बनाना है पानी लगाएंगे और कुकर में इसको तकरीबन 25 मिनट के लिए गला लेंगे। जनाब आपका हलवाई स्टाइल छोले बिल्कुल रेडी हो गए हैं। खा के देखिएगा, इसका जायका आपको हैरान कर देगा। और इसमें जो सीक्रेट इंग्रेडिएंट है, एक तो वो है कि सरसों का तेल और उसके साथ देसी घी, दूसरा है बादियान का फूल। उसकी खुशबू जो सारे सालन में आएगी ना, आप हैरान रह जाएंगे। पूरी के साथ खाएं या चनों के साथ खाएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब